लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बराबर में घंटी वाला बेल वाला आइकॉन दबाकर ओके दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दिव्या रावत आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने काफी कम समय में बड़ा नाम कमा लिया है। महज 21 साल की लड़की दिल्ली में पढ़ाई किया करती थी। अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर दिव्या रावत एक बार अपने गांव लौटी, जहां उन्होंने देखा कि किसान किसानी छोड़ कमाने के सिलसिले में शहरों की तरफ पलायन कर चुके थे। दिव्या रावत का यह सब देखकर मन काफी उदास हुआ। दिव्या रावत ने ठानी कि अब दिल्ली छोड़कर अपने गांव लौटेंगी और वहां की स्थिति बदलेंगी। दिव्या रावत उत्तराखंड के चमोली जिले से 25 किलोमीटर दूर कोर्ट कंडरा गांव की रहने वाली हैं। दिव्या रावत ने 2013 में मशरूम की खेती शुरू की और उन्हें 3 लाख का मुनाफा हुआ। इसके बाद दिव्या रावत ने मशरूम की खेती में मुनाफा देखते हुए मशरूम की खेती करना ही उचित समझा। आज दिव्या ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देने का भी काम करती हैं जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं। दिव्या रावत ऐसे लोगों को बैंक से लोन भी मुहैया करवाती हैं। दिव्या रावत सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी भी चलाती हैं, जिसका टर्नओवर सालाना करोड़ों रुपए है। दिव्या रावत ने अपनी लगन के द्वारा हजारों लोगों के काम दिया है, बल्कि खुद भी एक सुखी जीवन बिता रही हैं। दिव्या रावत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारी इस वीडियो को व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं हमारे चैनल की अगली वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। धन्यवाद।